अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कुछ जो हैं जो कि ऊ जेनेसिस के दौरान हो रहे हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। ऊ जेनेसिस के दौरान ड्रोसोफिला में कुछ इवेंट होते हैं जो कि एग पोलरिटी जनरेट करवाते हैं और डॉर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो स्पेसिफिकेशन है दैट अकर्स ड्यूरिंग ऊ जेनेसिस। तो यहाँ पर जो ओवरी है उसमें हमने ये एग चैम्बर शो किया है जिसमें चारों तरफ ये सोमेटिक फॉलिकुलर सेल्स हैं और बीच में जो है उगोनियम सेल्स जो जर्म सेल्स होती हैं उन जर्म सेल के 4 माइटोसिस से 16 सेल्स बनती हैं जिनमें से 15 सेल्स तो नर्स सेल या नर्स कोशिका बनाती है और एक सेल जो है उसको एज अ ऊ साइट डेवलप किया जाता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डिवीजन होता है जिससे कि इन सभी के जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं वो इनमें बने रहते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इसलिए बने रहते हैं क्योंकि ये नर्स सेल्स इन जो डेवलपिंग जो एग सेल है या ऊ साइट है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के द्वारा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एमआरएनए और प्रोटीन्स को नर्स सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है और उनको ट्रांसफ़र किया जाता है जो डेवलपिंग ऊ साइट है उसके अंदर। और यही जो मैटरनल कोडेड प्रोडक्ट हैं जीन्स के, जो मैटरनल इफेक्ट जीन्स के जो प्रोडक्ट हैं जिनको कि नर्स सेल्स के द्वारा बनाया जा रहा है और ऊ साइट के अंदर डिपॉजिट किया जा रहा है, यही प्रोडक्ट्स एग में पोलैरिटी जनरेट करवाते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफिकेशन के लिए। ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहूँ इनको या मॉर्फोजेंस, ये डॉर्सल वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो ऊ साइट है इसमें यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, अच्छा यहाँ पर इसका जो मियोसिस होता है, मियोसिस ऊ जेनेसिस के साथ साथ ही चल रहा होता है और मेटाफेज में जो है अरेस्ट हो जाता है और फिर जिस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है ओविडक्ट से होता हुआ जब एग बाहर निकलता है तो नैरो ओविडक्ट होने के कारण एग जब बाहर रिलीज होता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर जो है यानी कि मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन करवा देते हैं कैल्शियम स्पेसिफिक चैनल्स को ओपन करवा कर, और मियोसिस जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। जबकि हमने मैमेलियन जो फर्टिलाइजेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने बात की थी कि वहाँ पर स्पर्म बाइंडिंग जो है वो एक्टिवेट करवाती है। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एक सिग्नल है जिसको मैं कहता हूँ गर्कन सिग्नल। ये गर्कन सिग्नल जो है इससे रिलेटेड एमआरएनए जो है वो सिग्नल नर्स सेल्स के द्वारा डेवलपिंग ऊ साइट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ऊ साइट का जो न्यूक्लियस है वो अब उस गर्कन मैसेज को रिलीज़ करता रहेगा, इंड्यूस्ड करवा दिया गया है नर्स सेल्स के द्वारा। अब वो गर्कन मैसेज जो है बेसिकली एक मैसेंजर एमआरएनए है, गर्कन एमआरएनए, और वो गर्कन एमआरएनए ट्रांसलेशन के साथ प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन है गर्कन प्रोटीन। और वो गर्कन प्रोटीन जो सिग्नल है या एक लिगेंड की तरह काम करता है वो डिफ्यूज़ होता है और नियरली प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स को वो सिग्नल मिल जाता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस मैंने शो किया है उस साइड का और इसी पार्ट को, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं इसी पार्ट को एनलार्ज करके हमने शो किया है, ये न्यूक्लियस है, ये गर्कन एमआरएनए है और ये गर्कन प्रोटीन यहाँ पर बन रही है, ये गर्कन प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है ये एज ए लिगेंड काम कर रही है ये बाहर की तरफ, ये वाली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इन फॉलिकुलर सेल्स को ये गर्कन मैसेज मिला। अच्छा जो एग का न्यूक्लियस है वो फ्यूचर पोस्टीरियर एंड की तरफ यानी कि फ्यूचर में ये वाला पार्ट जहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये वाला पार्ट फ्यूचर पोस्टीरियर एंड है यानी कि फ्यूचर में चलकर ये पोस्टीरियर रीजन बनाएगा एम्ब्रियो का। तो ये जो फ्यूचर पोस्टीरियर रीजन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये गर्कन मैसेज दे रहा है, गर्कन मैसेज नियरली प्रेजेंट
जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको मिला और उनके अंदर एक सिग्नलिंग चलती है जिससे कि इन पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स में डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है और ये पोस्टीरियर फॉलिकुलर सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। इसी तरह से अब ये जो पोस्टीरियर फॉलिकुलर सेल्स हैं ये वापस से सिग्नल देती हैं उस साइड को, जिससे इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है। वो प्रोटीन काइनेज साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन में चेंज करवाना शुरू करता है जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना शुरू होते हैं और इस तरह से एग में जो है डेवलपिंग जो ऊसाइट है उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, साथ साथ नर्स सेल्स के द्वारा न्यूट्रिएंट मिलता जा रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह से अरेंज हो जाती हैं कि इनका प्लस एंड जो है वो पोस्टीरियर रीजन की तरफ और नेगेटिव एंड जो है वो एंटीरियर रीजन की तरफ, फ्यूचर में एंटीरियर रीजन एम्ब्रियो का जो बनेगा वहाँ पर। और ये न्यूक्लियस जो है माइक्रोट्यूब्यूल डेराइव्ड जो मोटर प्रोटीन्स हैं उनके द्वारा इसको साथ साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है आगे की तरफ और ये डॉर्सो एंटीरियर डॉर्सल एंटीरियर रीजन की तरफ जो है एग में आगे बढ़ता जाता है। जिस तरफ न्यूक्लियस फॉलिकुलर सेल्स के पास पास होता हुआ जाएगा वो वाली फॉलिकुलर सेल जो है वो डॉर्सलाइज्ड होती जाएंगी और डॉर्सल फेट को रेगुलेट करेंगी। तो ये न्यूक्लियस आगे जाता जा रहा है, ये कुछ सिग्नलिंग करेगा डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफिकेशन के लिए, वो सिग्नलिंग अभी अपन अलग से बात करेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक और काम होता है, नर्स सेल्स के द्वारा बनाए गए जो बाइकोइड और नैनोज जो mRNA हैं, साथ साथ जो यहाँ पर एग में ऑस्कर mRNA हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल मोटर को काम में लेते हुए उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। बाइकोइड mRNA जो है उसको नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मोटर के द्वारा फ्यूचर एंटीरियर साइड में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। नैनोज mRNA जो है उस नैनोज mRNA को फ्यूचर पोस्टीरियर साइड में पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड जो काइनेसिन मोटर है उनके द्वारा डिपॉजिट करवा दिया जाता है पोस्टीरियर एंड की तरफ। पोस्टीरियर एंड की तरफ जब ये नैनोज mRNA जा रहा होता है तो उस दौरान इसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट रखा जाता है, इसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट रखा जाता है कप और स्मॉग प्रोटीन के द्वारा। स्मॉग जो है ये 4E बाइंडिंग प्रोटीन है, कप जो है 4E बाइंडिंग प्रोटीन है और जो स्मॉग है ये नैनोज mRNA के 3' UTR पर इसकी बाइंडिंग साइट होती है। इसी तरह का एक रेगुलेशन हमने सेल बायोलॉजी में मॉलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा था, ब्रूनो कप मीडिएटेड रेगुलेशन जो कि ऑस्कर mRNA का करवाया जाता है। तो ऑस्कर mRNA को भी पोस्टीरियर साइड में जो है डिपॉजिट करवाया जा जो है भेजा जाता है। ये ऑस्कर mRNA क्या करता है पोस्टीरियर साइड में नैनोज के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो ये कप ब्रूनो या कप स्मॉग मीडिएटेड जो ट्रांसलेशन लेवल रेगुलेशन है 4E बाइंडिंग प्रोटीन से रिलेटेड, ये हमने मॉलिकुलर बायोलॉजी में जीन रेगुलेशन के दौरान पढ़ा था। तो कुल मिलाकर बाइकोइड और नैनोज mRNA का नैनोज के साथ साथ ऑस्कर प्रोटीन भी प्रेजेंट रहती है यहाँ पर। तो ये जो है इनका डिपोजिशन करवा दिया गया है फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये एक। और ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही ओव्यूलेशन होता है एग साइटोप्लाज्म का एक्टिवेशन होता है तो ये ट्रांसलेट होना शुरू कर देते हैं और ये ग्रेडियंट बना लेते हैं प्रोटीन का, वो अभी अपन बात करेंगे आगे। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस स्पेसिफिकेशन इस तरह से होगा। इस डायग्राम में मैंने ये नर्स सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स को शो नहीं किया है। अच्छा, जिस टाइम पर ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये पोस्टीरियर फॉलिकुलर सेल्स में डिफरेंशिएट हुई हैं उसी टाइम पर कुछ सेल्स जो एंटीरियर साइड से फॉलिकुलर सेल्स हैं वो यहाँ से इस लेयर को छोड़ देती हैं और नर्स सेल्स के बीच में से होती हुई जो ऊसाइट है उस डेवलपिंग ऊसाइट के एंटीरियर रीजन में आकर डिपॉजिट हो जाती है जो कि एंटीरियर बॉर्डर सेल्स कहलाती हैं। ये माइक्रोपाइल जो हमने पढ़ा था माइक्रोपाइल का निर्माण करवाती हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी दौरान जब ये एग में ऊजेनेसिस हो रहा है उसी टाइम पर यहाँ पर क्या होगा एग शेल का निर्माण भी इन फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा शुरू करवा दिया जाता है। तो वो ओव्यूलेशन जब होगा उस टाइम पर एग सेल बना हुआ होगा, एग का कवच बना हुआ होगा, उसके नीचे की तरफ उसकी जो मेम्ब्रेन है कॉरियन वो प्रेजेंट होगी और माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा जहाँ से होकर स्पर्म एंट्री करता है।
तो इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस स्पेसिफिकेशन जो है वो अर्ली डेवलपमेंट के दौरान या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान ही उसको इनिशिएट करवा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ ही जब ये न्यूक्लियस आगे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनको ये कुछ स्पेसिफिक सिग्नल देता है। अच्छा, यहाँ पर ये रिसेप्टर जो है गर्कन मैसेज के लिए रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का नाम है टॉर्पिडो रिसेप्टर। ये टॉर्पिडो रिसेप्टर जो है सभी फॉलिकुलर सेल्स पर प्रेजेंट होता है। टॉर्पिडो रिसेप्टर जो है ये सभी फॉलिकुलर सेल्स पर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जो एग की मेम्ब्रेन है उस पर ट्यूब और पेले जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये न्यूक्लियस डॉर्सो एंटीरियर साइड की तरफ माइग्रेशन कर रहा है उस टाइम पर ये कुछ और सिग्नलिंग करता है जिससे कि ऊपर वाली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनमें पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और वो डॉर्सल फेट को रेगुलेट करती हैं। और अपोजिट साइड जहां पर फॉलिकुलर सेल्स को गर्कन मैसेज नहीं मिलता है वहां पर वेंट्रलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। वो कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली इसी पार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं अपन। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसी पार्ट को एनलार्ज करके देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ फॉलिकुलर सेल्स हैं, नीचे की तरफ फॉलिकुलर सेल्स हैं, बीच में ये ऊसाइट है, ये एग का न्यूक्लियस आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते ये गर्कन मैसेज देता जा रहा है ऊपर की तरफ जो सेल्स हैं टॉर्पिडो रिसेप्टर पर। और गर्कन मैसेज मिलने से क्या होगा कि ये जो ऊपर की तरफ फॉलिकुलर सेल्स हैं उन ऊपर की तरफ वाली फॉलिकुलर सेल्स में पाइप प्रोटीन है एक, अभी अपन बात करेंगे पाइप क्या काम करती है। तो पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो नहीं होगा उनके अंदर। जबकि दूसरी तरफ जो सेल्स हैं जिनको कि टॉर्पिडो रिसेप्टर पर गर्कन मैसेज नहीं मिलता है उन सभी सेल्स में पाइप प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है। थ्री डायमेंशनल इमेज दिमाग में चलनी चाहिए, ये ध्यान रखना। पूरा का पूरा ये एग है, उसके चारों तरफ ऊपर की तरफ वाली जितनी फॉलिकुलर सेल्स हैं और नीचे की तरफ जितनी फॉलिकुलर सेल्स हैं, ऊपर वाली सभी फॉलिकुलर सेल्स जो हैं उनको गर्कन मैसेज मिल रहा है, नीचे की तरफ जो है उनको गर्कन मैसेज नहीं मिल रहा है। तो जिनको गर्कन मैसेज नहीं मिल रहा है वहाँ पर पाइप सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और पाइप सिंथेसिस इनहिबिट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये डॉर्सल फेट को रेगुलेट करेंगे। जबकि पाइप सिंथेसिस जहाँ पर हो रहा है वो एक सिग्नलिंग चलाएंगी। तो यहाँ पर ये एग है, बाहर की तरफ विटलाइन मेम्ब्रेन होगी, पेरिविटलाइन स्पेस होगा। तो इस वाले रीजन को थोड़ा सा अपन एनलार्ज करके शो करते हैं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या सिग्नल। तो डॉर्सल वेंट्रल जो फेट है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो नीचे की तरफ यहाँ पर विटलाइन मेम्ब्रेन और ऊपर की तरफ जो है एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन हमने शो करी है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है और उसके बाद डॉर्सल वेंट्रल जो एक्सिस फॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन जो है वो किस तरह से होगा वो अपन बात कर रहे हैं। तो फेट जो है ये स्पेसिफिकेशन बेसिकली शुरुआत इसकी ऊजेनेसिस के दौरान ही हो जाती है। ऊजेनेसिस के दौरान ही हमने बात कर ली थी कि डॉर्सल फेट वाली जो सेल्स हैं वहाँ पर पाइप प्रोटीन जो है फॉलिकुलर सेल्स में नहीं बन रही थी, वेंट्रल साइड में गर्कन मैसेज नहीं मिलने के कारण पाइप प्रोटीन जो है उनका सिंथेसिस हो रहा है। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो डॉर्सल प्रोटीन है इसका mRNA जो है इसका होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया जाता है ऊजेनेसिस के दौरान ही, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में शुरू होता है, अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट्स आफ्टर। और फर्टिलाइजेशन के बाद इसका ट्रांसलेशन शुरू होता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जब होता है तो इसके साथ एक प्रोटीन है कैक्टस, डॉर्सल कैक्टस बाउंड फॉर्म में सिंथेसिस की जाती है। कैक्टस डॉर्सल को काम करने से रोकती है, डॉर्सल प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और कैक्टस जो है इसका इनहिबिटर है, इसके न्यूक्लियर लोकलाइजेशन को रोक कर रखता है। तो अब इसका ग्रेडियंट जो बनेगा वो ग्रेडियंट कैसे बनेगा, इसकी सिंथेसिस जो है इसकी शुरुआत कैसे होगी। तो जो फॉलिकुलर सेल्स थी जहाँ पर पाइप प्रोटीन बन रही थी उन पाइप प्रोटीन्स ने सल्फाइट जो है
सल्फाइलेशन करवा देती हैं वो विटलाइन मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, और ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का सल्फाइलेशन होता है यही आगे डॉर्सल प्रोटीन के ग्रेडिएंट को बनाने में काम आता है जब इसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो जो ये विटलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये एक प्रोटीन जीडी सल्फेटेड फॉर्म में गैस्ट्रोलेशन डिफेक्टिव एक प्रोटीन का नाम है जीडी उस प्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं और इसका नाम भी उसी आधार पर दिया गया कि अगर ये प्रोटीन जो है ये म्यूटेट हो जाए ये काम ना करे तो फिर गैस्ट्रोलेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाएगा। तो ये जीडी जो प्रोटीन है ये सल्फेटेड विटलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इन सल्फेशन जो है ये किया गया था पाइप प्रोटीन के द्वारा। और पाइप प्रोटीन जो है वो हमने पढ़ा था कि जो एग चैम्बर था फॉलिकुलर सेल से बना हुआ, तो उसमें जो वेंट्रल साइड वाली जो फॉलिकुलर सेल्स थी वहाँ पर पाइप प्रोटीन बनती है। तो ये पाइप प्रोटीन सल्फेलेशन करवा देती है और सल्फेटेड फॉर्म में विटलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती है जीडी प्रोटीन। जीडी के क्लीवेज से इसका एक्टिवेशन होता है, जीडी स्नेक का एक्टिवेशन करवाती है क्लीवेज करवा के, और स्नेक प्रोटीन, अच्छा ये जो सिग्नलिंग हो रही है ये पेरी विटलाइन स्पेस में हो रही है, यानी कि एम्ब्रियो के बाहर जो एग है उसके बाहर और जो विटलाइन मेम्ब्रेन है उसके अंदर। तो स्नेक प्रोटीन जो है वो क्लीव फॉर्म में एक्टिव हो जाती है और ये जीडी स्नेक और एस्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एस्टर में क्लीवेज करवाता है और एस्टर एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। एक्टिव एस्टर स्पेडजल के साथ बाइंड होती है और स्पेडजल में क्लीवेज करवा के उसको एक्टिवेट करवा देती है। क्लीव्ड स्पेडजल एक लीगेंड की तरह काम करता है जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन पर टोल रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये टोल रिसेप्टर एग की मेम्ब्रेन पर होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका मतलब जो भी ब्लास्टोडम हो इनवेजिनेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और जो ब्लास्टोडम बनेगी उनकी सभी की आउटर जो सरफेस होगी उस पर टोल रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उन सभी सेल्स पर। तो जो टोल रिसेप्टर है ये टोल रिसेप्टर एक्टिवेट करवाता है पेले काइनेज को जो कि ट्यूब काइनेज के साथ जुड़ा हुआ है। ये पेले काइनेज कैक्टस को फॉस्फोराइलेट करवाता है जो कि इसके प्रोटियाजोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है, और डॉर्सल जो है वो कैक्टस के डिग्रेडेशन से एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। तो डॉर्सल प्रोटीन का साइटोप्लाज्म में एक ग्रेडियंट बन जाता है और जब जो ब्लास्टुला स्टेज थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन होगा सिंसिशियम से मल्टी सेलुलर स्टेज जो बनती है उस दौरान न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो साइटोप्लाज्म है उसमें वेंट्रल साइड में तो डॉर्सल एक्टिव फॉर्म में रहेगी और डॉर्सल साइड में डॉर्सल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी कैक्टस बाउंड फॉर्म होने के कारण। तो एक ग्रेडियंट बन जाएगा एक्टिव डॉर्सल का, और वो ग्रेडियंट जो होगा उसको हमने इस तरह शो किया कि जो वेंट्रल फेट वाली सेल्स हैं वहाँ पर डॉर्सल ज़्यादा होगी और जैसे जैसे ऊपर आऊँगा वैसे वैसे एक्टिव डॉर्सल कम होगी। तो इसी को अगर मैं काट के शो करता हूँ तो पूरा यहाँ पर जो सेल्स हैं चारों तरफ उनकी अगर मैं बात करूँ तो ये अंदर की तरफ ब्लास्टोसील, इसी को मैंने कट करके यहाँ पर शो किया है, अंदर ब्लास्टोसील है, नीचे की तरफ जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनके अंदर डॉर्सल एक्टिव फॉर्म में है तो उनके न्यूक्लियस में एक डॉर्सल प्रोटीन की हाई अमाउंट है। उससे थोड़ा ऊपर की तरफ जो सेल्स हैं वहाँ पर कैक्टस का डिग्रेडेशन कम हुआ है तो उसमें डॉर्सल एक्टिव फॉर्म में कम है इन सेल्स के अंदर। ऊपर की तरफ जो सेल्स हैं इनके अंदर डॉर्सल एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो यानी कि नीचे से ऊपर एक डॉर्सल का ग्रेडियंट बन गया है हाई टू लो। तो जहाँ डॉर्सल नहीं है वो साइड डॉर्सल बनाएगा। डॉर्सल प्रोटीन में म्यूटेशन होने पर एम्ब्रियो डॉर्सलाइज्ड हो जाता है कम्प्लीटली, वेंट्रल साइड नहीं बनता, इसी आधार पर इसका नाम डॉर्सल प्रोटीन है। और तो यानी कि कुल मिलाकर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बाइकोइड नैनोस किस तरह से बनाते हैं वो हम अभी बात करेंगे। डॉर्सल वेंट्रल स्पेसिफिकेशन जो है वो डॉर्सल प्रोटीन के कारण हो गया। तो जो सबसे नीचे की तरफ जो सेल्स होती हैं यहाँ पर वो तो मेसोडर्म वाली सेल्स में डिफरेंशिएट होना शुरू होंगी, उससे थोड़ी ऊपर वाली सेल जो है वो न्यूरोजेनिक एक्टोडर्म में, उससे थोड़ी ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो लैटरल एक्टोडर्म में, उससे थोड़ी ऊपर वाली डॉर्सल एक्टोडर्म और ऊपर वाली अमीनो सीरोसा जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफिकेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है चालू शुरू हो जाता है। लेकिन
बेसिक्स जो है इसका वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि ओजेनेसिस के दौरान ही जो पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस था वो इस फेट को पहले ही स्पेसिफाई कर चुका होता है। अब यहाँ पर अपन मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करते हैं कि डॉर्सल प्रोटीन जहाँ एक्टिव होगी वहाँ पर ये रोम्बॉइड ट्विस्ट और स्नेल प्रोटीन को एक्टिवेट करवाएगी। जहाँ डॉर्सल बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियस में होती है वहाँ पर ट्विस्ट और स्नेल को एक्टिवेट करवाती है, जहाँ थोड़ी कम होती है वहाँ पर रोम्बॉइड को एक्टिवेट करवाती है, और ये मेसोडर्म या न्यूरोजेनिक एक्टोडर्म में डिफ्रेंशिएट करना शुरू करती है उन सेल्स को। साथ ही साथ जहाँ पर डॉर्सल है वहाँ पर डॉर्सल डेकापेंटाप्लेजिक को इनहिबिट करती है, और जहाँ पर डॉर्सल नहीं है यानी कि ऊपर की तरफ वहाँ पर डेकापेंटाप्लेजिक एक्टिवेट होगी। और ये डेकापेंटाप्लेजिक जो है प्रोटीन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, ये टॉलोइड और जर्न्यूट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन करवाती हैं। ये टॉलोइड और जर्न्यूट जो हैं ये डॉर्सल फेट रिलेटेड जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन करवाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर लेवल पर डॉर्सल प्रोटीन के द्वारा रेगुलेशन किया जाता है, यानी कि अगर डॉर्सल म्यूटेंट हो गई तो क्या होगा, एम्ब्रियो कंप्लीट डॉर्सलाइज हो जाएगा। और अगर डेकापेंटाप्लेजिक जो है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, तो एम्ब्रियो जो है वो दोनों साइड से वेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो ये जीन में म्यूटेशन के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर स्पेसिफिकेशन जो है, एक्सिस स्पेसिफिकेशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो इवेंट्स हैं उनके बारे में अपन डिटेल में थोड़ा सा बात